हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे जेवी एंड सीआरबी मेक सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने जेवी का आरबीडब्ल्यूएम यानी रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का यूनिट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है दोस्तों। इसके थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है। टॉपिक का शीर्षक है रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशन, यानी रिटेल बैंकिंग का बैंक ऑपरेशन के अंदर क्या रोल्स है। सो वी विल सी दिस। सो बिफोर बिगनिंग दिस लेसन, लेट मी शो यू द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। That there are two topics. First is introduction and second is business model. So before beginning this lesson, let me tell you about, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लेसन को शुरुआत करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि IIBF के द्वारा हमारा JIB का बुक्स पब्लिश हो गया है, मैक्मिलन का बुक पब्लिश हो गया है, और इसका जो कॉस्ट है, आप यदि चारों बुक्स लेंगे तो इट विल कॉस्ट यू समथिंग अबाउट 3500 समथिंग, एंड इफ यू बाउट टू बुक्स दैट इज RBWM एंड IE&IFS, सो फॉर टू बुक्स IE&IFS एंड RBWM, दैट इसका कॉस्ट आपको पड़ेगा दोस्तों लगभग 1350 का। सो आप यदि सो दिस विल आपको बुक्स रहेगा तो आप थ्योरी पढ़ पाएंगे, और साथ ही साथ आप उसमें कुछ MCQ जो लास्ट में दे रहे थे वो कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग अपने चैनल पे इन दोनों के लिए IE&IFS और RBWM के लिए कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, और साथ ही साथ बाकी जो दो सब्जेक्ट है उसके लिए भी कोर्स लॉन्च करेंगे। तो इनका जो बुक का कॉस्ट है, ये जो बेसिकली हमारा जो प्लान है, ठीक है, जो हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, इट कॉस्ट यू ₹900 ओनली फॉर बोथ द सब्जेक्ट RBWM एंड IE&IFS। एंड इन अंडर दिस प्लान यू विल गेट कॉन्साइज थ्योरी, आपको कॉन्साइज थ्योरी मिल जाएगा, आपको दोस्तों MCQs मिल जाएंगे, कॉन्साइज MCQs, ये आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे और वीडियो फॉर्म में मिलेंगे। और दोस्तों, आपको हर एक चैप्टर का लगभग अराउंड 50 MCQs मिलेंगे, और बुक में मात्र 5 MCQs रहते हैं, और कंसाइज थ्योरी आपको मिल जाएगा, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ, ताकि आप क्विकली रिवाइज कर पाए चीज़ों को। इसके अलावा दोस्तों, आपको क्विजेज मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। सो यू आर गेटिंग ऑल दिस फैसिलिटी बाय स्पेंडिंग ₹900 ओनली, और यदि आप बुक्स परचेज करेंगे तो दैट विल कॉस्ट यू ₹1350। सो इट इज़ वाइज डिसीजन टू बाय आवर प्लान इंस्टीट्यूट ऑफ बुक, एंड यू नीड नॉट बाय एनी बुक इफ़ यू ऑप्ट फॉर आवर प्लान, बिकॉज ईच एंड एवरी कंटेंट दैट आई एम प्रोवाइडिंग इज फ्रॉम बुक्स ओनली। सो इफ यू वॉन्ट मोर डिटेल रिगार्डिंग दिस प्लान, काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, और लिंक ऑफ द व्हाट्सएप नंबर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, एंड आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेसन, आज के लेसन को शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज़, तो हमारा है टॉपिक का नाम ही है कि बैंकिंग ऑपरेशन। तो बैंक्स कौन कौन से अलग अलग अप्रोच फॉलो करती है रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए, आइए आज हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज, बैंक जो है अलग अलग अप्रोच को फॉलो करती है अपने रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए, और रिटेल बैंकिंग का जो रोल है, जो इम्पोर्टेंस है, वो सभी बैंकों में अलग अलग होता है। इट डिफर्स अक्रॉस बैंक्स, और इसीलिए जो है अलग अलग मॉडल बैंक अडॉप्ट करती है। आप देखिए, रिटेल बैंकिंग का रोल अलग है, इम्पोर्टेंस अलग है बैंक्स में, तो इसीलिए अलग अलग रोल मॉडल जो है, अलग अलग मॉडल अडॉप्ट करती है कौन, बैंक्स अडॉप्ट करती है। ओके, अब देखिए जो मॉडल है और जो प्रोसेस है, जो मैंने आपको बताया ना, देर आर डिफरेंट मॉडल, देर आर डिफरेंट प्रोसेस विच आर अडॉप्टेड बाय बैंक, तो जो मॉडल है या जो प्रोसेस है वो डिपेंड इस बात पर करता है कि क्या इंपॉर्टेंस अटैच है रिटेल बैंकिंग स्पेस में इन द ओवरऑल, इन देयर ओवरऑल कॉरपोरेट बिजनेस स्ट्रेटजी। तो अब जरा बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। तो बिजनेस मॉडल जो रिटेल बैंकिंग का जो बिजनेस मॉडल है, इसमें क्या है, कौन कौन सा मेन मॉडल्स है। तो सबसे पहला अप्रोच है SBU, यानी स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच। तो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच दैट इज अडॉप्टेड बाय बैंक, दैट इज कॉल्ड SBU, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच। द सेकंड अप्रोच इज डिपार्टमेंटल अप्रोच, एंड द थर्ड अप्रोच इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है दोस्तों, हमारे ओवरऑल बिजनेस प्लान का पार्ट होता है। सो देर आर थ्री अप्रोच, SBU, द सेकेंड इज डिपार्टमेंटल, एंड द थर्ड इज इंटीग्रेटेड। प्लीज रिमेंबर दिस थ्री अप्रोच। नाउ लेट्स बिगिन विद SBU अप्रोच, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच। तो SBU अप्रोच क्या करता है दोस्तों, बिजनेस लाइन को डिवाइड करता है ऑन द लाइन्स ऑफ SBU, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस को डिवाइड करता है। ये जो अप्रोच है कि ये क्या करता है दोस्तों, बिजनेस को डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है, बिजनेस को डिवाइड करता है ऑन द लाइन ऑफ SBU। SBU क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट। तो SBU दोस्तों हमारे ऑटोनोमस डिविजन्स होते हैं, ठीक है, और वो फ्लेक्सिबल होते हैं और लार्ज होते हैं, ताकि वो बहुत सारे फैक्टर्स पे कंट्रोल कर सकें। इसे आप डिफाइन कर सकते हैं प्रॉफिट सेंटर विच फोकस ऑन प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड मार्केट सेगमेंट।
यानी इनका दो चीज में फोकस रहता है कि क्या प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है और किस मार्केट को प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। और ये प्रॉफिट सेंटर होते हैं, बैंक्स के लिए प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। तो एक SBU जो है हो सकता है कि लार्ज कॉरपोरेशन का बिजनेस यूनिट हो, नाम ही है ना यूनिट, नाम में ही लिखा हुआ है बिजनेस यूनिट। सो SBU हो सकता है कि बिजनेस यूनिट हो एक लार्ज कॉरपोरेशन का, या ये खुद में ही एक बिजनेस हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है उसका एक हिस्सा है SBU, ठीक है, उसका हिस्सा हो सकता है, या हो सकता है कि इनका खुद का बिजनेस हो, ठीक है। तो दिट कैन बी पॉसिबिलिटी, देर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज। तो जो रिसर्च किया गया था मॉडल्स पे, जो रिसर्च किया गया था और 10 बैंकों पे रिसर्च किया गया था, उस 10 बैंकों में दोस्तों कुछ फॉरेन बैंक भी थे, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक भी थे, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक भी थे, ठीक है। तो ये देखा गया कि केवल 5 टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक ही इस अप्रोच को अडॉप्ट कर रही है। ये रिसर्च से पता चला है कि बैंकों के बारे में बात करें तो केवल टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक ही इस अप्रोच को यूज कर रही है। और वो जो 5 पब्लिक सेक्टर बैंक है वो मुंबई में हेडक्वार्टर है उनका, खासकर मुंबई वाले बैंक से। और इन पांचों बैंक का जो बिजनेस मॉडल है ना, इन पांचों बैंक का जो बिजनेस मॉडल है वो किससे अलाइन हो रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक से अलाइन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि जो जो बैंक SBU अप्रोच को अडॉप्ट किए हुए हैं, इनका जो बिजनेस मॉडल है, इन पांचों बैंक का जो बिजनेस मॉडल है वो किससे मिलता जुलता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक से और फॉरेन बैंक से मिलता जुलता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपने देखा कि हाँ कौन कौन से बैंक्स हैं जो कि इस पार्टिकुलर अप्रोच को यूज कर रहे हैं। क्या नए जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक भी SBU को यूज करते हैं क्या, आइए जरा देखते हैं। तो जो नए जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्लियर होता है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने SBU को सेटअप कर लिया है, ठीक है। जब से ये एग्जिस्टेंस में आए हैं, जब से ये शुरुआत की है अपने बिजनेस को, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आजकल के नए जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो जब से ये एग्जिस्टेंस में आए हैं तब से इन्होंने क्या किया है, SBU को सेटअप कर लिया, यानी स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट को सेटअप कर लिया है, ताकि इनके पास क्लियर फोकस हो सके बिजनेस ऑब्जेक्टिव का, सो दैट दे कैन हैव क्लियर फोकस ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये पॉइंट है, देखिए यही तो मैंने बताया ना कि एक प्रॉफिट सेंटर पे काम करेगा, वो प्रोडक्ट ऑफरिंग पे फोकस करेगा, मार्केट सेगमेंट पे फोकस करेगा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्लियरली दिखेगा। सो दिस न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैव क्लियर फोकस ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें फॉरेन बैंक में, तो फॉरेन बैंक भी इसे इस अप्रोच को यूज करती है। प्लीज रिमेंबर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, फॉरेन बैंक भी इस SBU के अप्रोच को यूज करती है, ठीक है। तो क्योंकि इनका जो है अपना एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन बैंक का। तो जो हमारा डिमार्केशन एज SBU है वो MBO है, प्रोसेस है। MBO पता है ना आपको दोस्तों, आपने MBO पढ़ा होगा जब आप CIB के, ये MBO यानी होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, तो आपको बस SBU के बारे में क्या याद रखना है कि SBU जो है एक बड़ा सा कॉरपोरेशन है, मान लीजिए उसमें एक छोटा सा बिजनेस यूनिट काम कर रहा है जिसे हम लोग SBU कहते हैं। इनका फोकस रहता है कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को बेहतर बना सके और मार्केट सेगमेंट को कैप्चर कर सके। और हम यदि बैंकों के बारे में बात करें तो टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक इससे, खासकर जो जिनकी मुंबई ब्रांचेज हैं वो इसे अडॉप्ट करती है, और इनका बिजनेस मॉडल हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक से मिलता जुलता है, फॉरेन बैंक से मिलता जुलता है। और जो हमारी नई जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो शुरुआत से ही इस मॉडल पे आश्रित है, दैट इज अ स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट। द सेकंड टाइप्स ऑफ मॉडल दैट द बैंक अडॉप्ट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल अप्रोच। तो दूसरा अप्रोच को हम लोग डिपार्टमेंटल अप्रोच कहते हैं। तो जैसे कि SBU में हमने क्या देखा, SBU में हमने देखा ना कि डिवाइड किया गया था पूरे बिजनेस मॉडल को स्ट्रेटजिक या बिजनेस लाइन पे। जितने ध्यान दीजिएगा, हमने क्या देखा था दोस्तों कि स्ट्रेटजिक या बिजनेस लाइन को डिवाइड किया गया था। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को आप डिवाइड कर सकते हैं फंक्शन के बेसिस पे, कौन जो फंक्शन बहुत सारे टीम परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन विच वेरियस टीम परफॉर्म। तो जो डिपार्टमेंटल अप्रोच है ये क्या है, इट इज स्पेशलाइज फंक्शनल अप्रोच। ये क्या है दोस्तों, एक स्पेशलाइज फंक्शनल अप्रोच है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये अप्रोच क्या करता है दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को सेग्रीगेट करता है, यानी बांटता है इनटू डिपार्टमेंट्स, इसीलिए नाम रखा गया इसका डिपार्टमेंटल अप्रोच। अब कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, प्लानिंग हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को ये अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या करता है दोस्तों, डिवाइड करता है, ओके। तो जैसे एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को आप ले लेंगे, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का अपना मैनेजर होगा, राइट। एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स मैनेजर,
और उसके अलावा उस डिपार्टमेंट का और कौन होगा, चेन ऑफ कमांड होगा। सो एवरी डिमांड एवरी डिपार्टमेंट हैज चेन ऑफ कमांड, सो एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स मैनेजर, एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स चेन ऑफ कमांड। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में क्या ये बैंक अडॉप्ट करती है इस अप्रोच को? तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है इसी अप्रोच को अडॉप्ट करती है एज अ रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल। हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा था कि जो SBU है वो केवल मुंबई ब्रांच जिनके हैं, जो हमारे टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके जो मुंबई ब्रांच है केवल वही अडॉप्ट कर रही है, बाकी ब्रांच नहीं अडॉप्ट कर रही है। लेकिन यदि हम डिपार्टमेंटल अप्रोच की बात करें तो जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, वो मैक्सिमम बैंक इसी अप्रोच को अडॉप्ट करती है, यानी कि उनका जितना फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज पार्ट दिया गया है, ठीक है। सो दिस इज द डिपार्टमेंटल अप्रोच। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक इसी अप्रोच को अडॉप्ट कर रही है? इससे इसका इन्फ्रेंस ये निकल रहा है कि ये जो अप्रोच है वो जनरल अप्रोच है, ठीक है। और इस अप्रोच, ये सबसे जनरल अप्रोच यदि पूछा जाए कौन सा है, तो आप याद रखिएगा कि सबसे जनरल अप्रोच हमारा डिपार्टमेंटल अप्रोच है। और साथ ही साथ रिटेल बैंकिंग इसका एक बिजनेस मॉडल है और इसका एक फोकस्ड मॉडल नहीं है। ये रिटेल बैंकिंग जो है इनका एक बिजनेस मॉडल है, नॉट अ फोकस बिजनेस मॉडल। और मैंने आपको बताया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया ने डिपार्टमेंटल अप्रोच को अडॉप्ट किया है, ठीक है। हाँ, तो जो हमारा रिटेल बैंकिंग के लिए जो बिजनेस मॉडल बिल्ड किया जाता है वो ओवरऑल बिजनेस प्लान का पार्ट होता है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। तो इसीलिए कहा गया है कि फॉर रिटेल बैंकिंग द बिजनेस मॉडल फॉर रिटेल बैंकिंग इज बिल्ट एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस प्लान एंड नॉट डन एज सेपरेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटी, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों ये हमने डिपार्टमेंटल अप्रोच के सिग्निफिकेंस को देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाएगा फंक्शन के बेसिस पे, जो कि अलग अलग टीम कर रही है। और नाउ द नेक्स्ट अप्रोच दैट वी हैव इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच। दोस्तों डिपार्टमेंटल अप्रोच के बाद जो नेक्स्ट अप्रोच है वो क्या है दोस्तों, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड अप्रोच बेसिकली जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं। सो दिस इज अडॉप्टेड बाय होम, दिस इज अडॉप्टेड बाय स्मॉल बिजनेसेस। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जितने भी सोशियो इकोनॉमिकल आस्पेक्ट होते हैं तो वो सभी इंक्लूड किए जाते हैं, और एक कोहेसिव अप्रोच होता है ताकि किसी बिजनेस के प्रॉब्लम को टैकल कर सके, मिलकर टैकल कर सके इस प्रॉब्लम को। सो दिस इज इंक्लूडेड इन द कोहेसिव अप्रोच, इन दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये माना जाता है कि यदि हमारे पास यूनिफाइड बिजनेस होगा तो वह रिस्क को कम करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखिए अभी तक क्या था कि हर एक बिजनेस लाइन के लिए दोस्तों एक सेपरेट एंटिटी थे, जैसे हमने SBU में देखा था ना, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट में, कि एक बिजनेस लाइन हो तो उसके लिए आपके पास एक एंटिटीज़ हो, ठीक है, दूसरा बिजनेस लाइन हो इसके लिए एक एंटिटीज़ हो, ठीक है। तो अब क्या किया गया इस अप्रोच में, क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया गया सबको, यानी आपके पास यूनिफाइड एक यूनिफिकेशन कर दिया गया दोस्तों। और इसमें क्या किया गया कि यूनिफाइड बिजनेस, अलग अलग बिजनेस लाइन नहीं होगी, यूनिफाइड बिजनेस लाइन होगा, और उससे क्या होगा कि रिस्क कम होगा हमारा और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, और थ्रू ये पॉइंट है जो कि इस पे फोकस किया जाता है। तो आपने क्या देखा दोस्तों, यदि हम जो मॉडल्स रिटेल बैंकिंग अडॉप्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, बैंक जो मॉडल फॉलो कर रही है खासकर अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने प्रोसेसेस के लिए, अपने डिलीवरी चैनल के लिए, तो जो रियल डेप्थ है रिटेल बैंकिंग का, हाँ, तो यहाँ पे यदि हम इस पर और डिटेल में जाएं कि जो जो मॉडल्स बैंक अडॉप्ट कर रही है, द रिलेवेंस ऑफ ईच एलिमेंट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ रोल मॉडल एंड द इंडिपेंडेंसी ऑफ दिस एलिमेंट फॉर सक्सेस ऑफ मॉडल आर रिवील्ड, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग बिजनेस मॉडल के बारे में, थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, लेट अस सी द इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल। सो अब देखिए, बैंक जो है अपने रिटेल बैंकिंग मॉडल को मेनली पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म पे डालती है, स्ट्रक्चर करती है। सो बैंक क्या करती है, अपने अपने रिटेल बैंकिंग मॉडल को पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म पे स्ट्रक्चर करती है। अब जैसे आप देखिए ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स हैं, तो ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक में जो पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म है बहुत ही क्लियर रहता है, ठीक है। क्योंकि ये जो ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक है इनका जो पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म है वो किसके बेसिस पे होता है, ओवरऑल बिजनेस प्लान के बेसिस पे होता है, और इनके साइज और स्केल के लाइन में होता है ये। तो ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स में जो पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म होता है दोस्तों, दैट इज वेरी क्लियर, एंड दिस पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन द ओवरऑल बिजनेस प्लान एंड इट इज इन लाइन विद देयर साइज एंड स्केल, यानी उनका जो साइज है, इन प्राइवेट बैंक का साइज है, जो स्केल है, उसी के अकॉर्डिंगली इनका ओवरऑल बिजनेस प्लान रहता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें नए, ये तो मैंने बात किया ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक की, जो हमारे नए जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं इनको अपने पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म पे क्लियर व्यू होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इनका विजन क्लियर होता है, वो चाहते हैं कि हम टॉप स्लॉट में आएं, जितने भी बैंक्स के क्लासेस हैं
उसमें टॉप स्लॉट में आना चाहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, स्ट्रेटजी हो, कस्टमर हो, बिजनेस इनिशिएटिव हो और एग्रेसिव पोजिशनिंग हो, ये सभी इनके एडवांटेजेस हैं। देखिए क्या क्या है, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी, कस्टमर एंड बिजनेस इनिशिएटिव एंड एग्रेसिव पोजिशनिंग आर द एडवांटेज दिस बैंक इंजॉय। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं हम लोग न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक की। ओल्ड जनरेशन में मैंने क्या बताया, ओल्ड जनरेशन में पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म क्लियर है और इसका मेन फोकस होता है ओवरऑल बिजनेस प्लान पे, और इनका इनका जो पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म होता है वो ओवरऑल बिजनेस प्लान पे बेस्ड होता है और उनके साइज और स्किल के अकॉर्डिंग होता है। न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है कि वो चाहते हैं कि हम सारे क्लास ऑफ बैंक में टॉप स्लॉट में आएँ। इनका टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी, कस्टमर, बिजनेस इनिशिएटिव, ये सभी एडवांटेजेस हैं जो कि ये सभी बैंक इंजॉय करती हैं। सो ये हमारा न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है दोस्तों, हाँ, और जो कुछ प्राइवेट सेक्टर साइड में कुछ रिसेंट इंट्रेंट हुआ है, इनका क्लियर पोजिशनल स्ट्रेटजी होता है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है, अगले दो तीन साल में क्या एक्शन लेना चाहते हैं। और दोस्तों यदि हम बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, तो प्राइवेट सेक्टर साइट्स में जो उनका भी क्लियर पोजिशनिंग स्ट्रेटजी है कि वो क्या जा वो व्हाट दे वांट टू बी गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। ओके, सो दिस वर ऑल अबाउट प्राइवेट सेक्टर। यदि हम फॉरेन बैंक की बात करें तो फॉरेन बैंक जो है पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं जाते हैं, वो प्योरली बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ जाते हैं। ठीक है, तो इनका पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो उनका क्या होता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है। वो कस्टमर से डिसाइड करते हैं, बिजनेस टारगेट होता है इनका, प्रॉफिट टारगेट होता है किनका, फॉरेन बैंक का। ठीक है, और तो अभी तक आपने क्या देखा पोजिशनिंग मॉडल्स में, किनका किनका विश्वास है, किन किन बैंकों का। तो सबसे पहला तो है हमारे ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक का पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही क्लियर रहता है और वो किसके बेस्ड होता है, ओवरऑल बिजनेस प्लान पे होता है। न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक भी पोजिशनिंग मॉडल को फॉलो करते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि जो टॉप स्लॉट है वो वहाँ पे जाना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक का भी पोजिशनिंग स्ट्रेटजी क्लियर होता है, ठीक है, और लेकिन जो फॉरेन बैंक्स हैं वो पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा नहीं जाते हैं, वो उनका क्लियरली कस्टमर, बिजनेस और प्रॉफिट टारगेट्स होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको क्लासिक एग्जाम्पल बताया। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग फॉरेन बैंक की बात करें तो बिजनेस मॉडल पर वो कॉल लेते हैं और किसी एक सेगमेंट पर ध्यान देते हैं। यदि वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, रिटेल बैंकिंग सेगमेंट से ही एग्जिट कर जाते हैं या किसी बिजनेस लाइन से एग्जिट कर जाते हैं। मतलब सबसे पहले तो वो एक बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों फॉरेन बैंक की, तो सबसे पहले तो एक पार्टिकुलर बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करेंगे या किसी सेगमेंट को अडॉप्ट करेंगे। यदि वहाँ से उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो रिटेल बैंकिंग को एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, और नहीं तो वो सेगमेंट को एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है, और तो उस पार्टिकुलर मॉडल के बिजनेस मॉडल को एग्जिस्ट कर लेते हैं। तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं बीएनपी परिवास का। तो बीएनपी परिवास ने रिटेल बैंकिंग के स्पेस में बहुत एग्रेसिवली इंटर किया था 1990s में। दोस्तों ये जो हमारे बीएनपी परिवास है फॉरेन बैंक, सो इट हैज़ इंटर्ड इन टू द रिटेल बैंकिंग स्पेस वेरी एग्रेसिवली। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद इनके पास ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज था, लेकिन तुरंत ही इन्होंने क्या किया, इस स्पेस को छोड़ दिया, ठीक है, बट सडनली दे लेफ्ट द स्पेस। क्यों, क्योंकि इन्हें लगा कि ये प्रॉफिटेबल सेगमेंट नहीं है उनके लिए, ठीक है, जो बिजनेस वो जनरेट कर रहे हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल सेगमेंट नहीं है, इसलिए उन्होंने एग्जिट कर लिया। तो मैंने आपको बताया ना कि ये फॉरेन बैंकों के साथ होता रहता है कि जब तक उन्हें लगेगा कि हाँ ये पार्टिकुलर सेगमेंट, ये पार्टिकुलर बिजनेस मॉडल हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, तब तक तो वो रहेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगेगा कि हमारे लिए प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहा है तो वो उसे एग्जिट कर लेंगे। तो ये तो आपको मैंने एग्जांपल बताया बीएनपी परिवास का। इसके अलावा दोस्तों आप अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का भी बात कर सकते हैं। तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक जो है अपनी क्रेडिट कार्ड बिजनेस, पहले तो इनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वो उसके बाहर आ गए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड दोस्तों आपको पता है ना एक रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, जब उनको लगा कि इसकी वायबल नहीं है तो वो उससे बाहर आ गए। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ सिटी बैंक का। तो सिटी बैंक का दोस्तों इनका जो है भारत में रिटेल बैंकिंग बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है, लेकिन ये एग्जिट कर दिए और इनका जो रिटेल बैंकिंग सेगमेंट है वो एक्वायर कर लिया एक्सिस बैंक ने, ठीक है। तो आपको मैंने तीन एग्जांपल बताया बीएनपी परिवास का, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का और सिटी बैंक का। तो तीनों का मॉडल में आपको ये चीज़ क्लियरली दिख रहा है कि जब तक उनको वो रिटेल बैंकिंग मॉडल्स में इंटर किए थे लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी या वायबिलिटी ना दिखने के कारण वो उसे एग्जिट कर गए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन, एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कशन किए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि बैंक क्या अडॉप्ट करती है, बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करती है, ठीक है, बैंक क्या अडॉप्ट करती है दोस्तों, बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करती है। लेकिन कैसे अडॉप्ट करती है, वो इस बात का ध्यान रखती है कि उनका ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी है क्या, ठीक है, उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है,
और उनका फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, उनका बिजनेस मिक्स क्या है, उनका कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसा उनका बिजनेस स्ट्रेटजी होगा, जैसा उनका फ्यूचर प्रोजेक्शन होगा, उस हिसाब का वो बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करती है, पहला पॉइंट। अब जो बिजनेस मॉडल जो बैंक फॉलो करती है वो या तो SBU हो सकता है, या तो वो डिपार्टमेंटल अप्रोच हो सकता है, ठीक है, और नहीं तो वो क्या हो सकता है दोस्तों, नहीं तो वो हो सकता है आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच। और ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इसको इंटीग्रेटेड इसलिए कहा गया है कि ये ओवरऑल बिजनेस प्लान का पार्ट होता है, ओवरऑल बिजनेस प्लान, ठीक है। तो ये तीन पार्ट है, तीन अप्रोच मैंने आपको बताया। तो बैंक क्या करती है, अपने रिटेल बैंकिंग मॉडल को स्ट्रक्चर करती है पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म के बेसिस पे, हमने भी डिस्कस किया था दोस्तों पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म का, ठीक है। सो बैंक क्या करती है दोस्तों, अपने रिटेल बैंकिंग मॉडल को स्ट्रक्चर करती है बेस्ड ऑन पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म, और वो चाहती है कि बेस्ड हो टॉप में आए अपने पीयर्स ग्रुप में, ठीक है। अब जो स्ट्रेटजी जो होता है वो पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे होता है, और वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है, डिपेंड इस बात पे करता है कि वो पार्टिकुलर बैंक अपने बिजनेस मॉडल को कितना इंपॉर्टेंस दे रही है। ये एक तरह से समझिए कि ये जो पोजीशनिंग प्लेटफॉर्म है ये बैरोमीटर की तरह काम करता है। बैरोमीटर समझते हैं ना, ये एक मेजरमेंट स्केल होता है बैरोमीटर, प्रेशर मेजरमेंट स्केल होता है। तो जो भी डिसीजन, ठीक है, जो भी डिसीजन बैंक का मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, ये सभी डिसीजन बैंक के मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्पैक्ट करेगा, कौन, कि ये जो हमारा स्ट्रेटजी जो पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे होता है दोस्तों, ये उस बैंक के मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इफेक्ट करता है। फॉरेन बैंक नहीं जाते हैं पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म से, मैंने आपको बताया फॉरेन बैंक जो है इसे एग्जिट करते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे जो फॉरेन बैंक है उनमें स्ट्रेटजी जो है बहुत ही बिग रोल प्ले करता है। और बहुत सारे इंस्टेंस देखे गए हैं फॉरेन बैंक के पास्ट में जो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव से एग्जिस्ट कर लिए जब उनका ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हुआ, जब फॉरेन बैंक को लगा कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, उनका जो फ्यूचर प्लानिंग है, वो मीट नहीं हो रहा है, तो वो उस बिजनेस मॉडल से एग्जिट हो जाते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था BNP परिवास का, ठीक है, सिटी बैंक का, तो ये सभी हमारे क्लासिक एग्जाम्पल है बिजनेस मॉडल के। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए इस पार्टिकुलर टॉपिक से। तो यदि आप इस तरह के एक्सप्लेनेशन, इस तरह के वीडियो, इस तरह के PDF चाहते हैं, सो प्लीज़ इनरोल इन आवर प्लान, एंड द डिटेल यू कैन फाइंड बाय WhatsApp मी ऑन दिस नंबर। थैंक यू।